જામનગરના મનોજભાઈ શાહ નામના બોક્સાઇટના વેપારી સાથે ઇન્ટરનેશનલ ઠગ ટોળકીએ કેમિકલના વ્યવસાયના નામે 1,35,00,000ની છેતરપિંડી કરી હતી. આ પ્રકરણમાં જામનગર પોલીસે કાબિલેદાદ કામગીરી કરી છે. જામનગર પોલીસ અને સાયબર સેલ દ્વારા આ પ્રકરણમાં આરોપી એક નાઇજીરિયન કપલ અને અન્ય એક શખ્સને મુંબઈથી દબોચી લઈ તેમને જામનગર લઈ આવવામાં આવ્યા છે.6/5/2021 को सिटी बी में एक छेत्रपिंडी का गुना दाखिल हुआ था. इसमें कुल छेत्रपिंडी का जो अमाउंट था वो लगभग 1,35,00,000 था. इसमें हमने पूरी टेक्निकल सर्वेलेंस जो है और साइबर पुलिस स्टेशन में जो कामगिरी की उसके आधार पे हमें पता लगा कि ये जो मेन कावतरू रचने वाले हैं, से जो मेन अक्यूज हैं, वो मुंबई बेस्ड हैं. हमने फिर सिटी बी और साइबर पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीमें मुंबई भेजी. वहां से हमारी टीमें वहां कुछ दिनों तक रही और फिर जो मेन अक्यूज है उनको ट्रेस किया. उसमें हमें पता लगा कि ये दो नाइजीरियन, एक तो ओनियो नाम से है जो कि मेल है और एक लेडी ओको नकवो, इन दोनों का रोल था. इनको फिर हमारी टीमों ने वहाँ लोकल स्थानिक पुलिस की मदद से इनको अटक की और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है. इसमें लेडी वही है जो कि जैसा भूखमन्नान ने बताया था कि लेडी एक ऐसे बन के आई थी कि यूके से, यूके की कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ आके जामनगर में उसने उसके ऑफिस गई और फिर जो कुछ केमिकल की टेस्टिंग की, तो इससे बेसिकली भूख बनार को उन्होंने विश्वास में लिया. इसलिए उसने मेन जो आरोपी है उनको मदद की, इसका मेन रोल वो था. और जो दूसरा जो नाइजीरियन है ओनियो, उसने भी इसकी टिकट्स कराई, वो भी मेन आरोपी के साथ संकलन में रहकर इस पूरे गुनाह को उसने इफेक्ट दिया. इसके अलावा हमने एक और आरोपी को पकड़ा है जिसके पास मोटा भागे जो पैसा था उसके बैंक अकाउंट में गया. इसका नाम जयेश भाई है, इसको भी हमने मुंबई से अटक की है. अभी इनकी पूछताछ चल रही है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है हमारे पास प्राथमिक माहिती है. इनकी पूछताछ के बाद और जो डिटेल्स निकलेगी उसके हिसाब से हमें टीमें बना के इनको भी पकड़ेंगे. सर, ये पूरा इंटरनेशनल जीतेंगे और कौन सी चीज बेची जा रही थी, किसके लिए 1,35,00,000? बेसिकली ये कुछ ऐसा था कि एक किसी आदमी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मेन भोगबनार को कॉन्टेक्ट किया और ये बोला था कि कुछ एक केमिकल उसको चाहिए और इस हिसाब से उसके साथ पूरा एक एलैबोरेट एक पूरी कहानी रची और उसमें उसको विश्वास मिले कि उसके साथ चीटिंग की. और इसमें ये नाइजीरियंस का मेन रोल था और इसी में हमने इनकी अटक की है. सर, अपना इंडियन आदमी है वो कौन है? पूरा नाम इंडियन आदमी जो है वो जयेश भाई वसंत भाई, जो वहीं से है, मुंबई से. तो ये बेसिकली क्या हुआ था, राही राशी बेसिकली क्या था कि जो पैसा था वो कुनाल ने विभिन्न विभिन्न अकाउंट्स में जमा करवाया था. उसमें से एक जो मेन अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में बहुत पैसा गया था उसको हमने अटक किया है. तो जामनगर में गया इतना तो इंडिया में और पूरे गुजरात में तो आगे और ज्यादा निकल सकते हैं. ऐसा हमारे ध्यान पे आया है कि ये जो लेडी थी ये और 2-3 जगह गई थी और उनको भी इन्होंने उनके साथ छेत्रपिंडी करने की कोशिश की थी. सेम चीज हुई, सेम केमिकल को टेस्ट करने के हिसाब से वो उनके ऑफिस में गई. एक दो ऐसे बनाव जो हैं शायद गुजरात के भी हैं, बट अभी वो सब तपास का विषय है और जैसे जैसे आगे होगा हम उसके लिए कार्यसर कार्रवाई करेंगे. जैसे कि कुछ रिकवरी अभी फिलहाल नहीं है. सर, कहाँ कहाँ गई होगी, कहाँ कहाँ गई होगी? वो ऐसे ध्यान पे आया है कि कहीं गुजरात के विभिन्न शहर जैसे गांधीधाम और इंडिया गुजरात के बाहर भी कहीं कहीं गए हैं. वो सब अभी तपास में चल रहा है. इसमें हमारी सिटी बी और जो साइबर पुलिस स्टेशन नया बना है
उनकी विभिन्न टीमों ने बहुत मेहनत की और पूरा ये जो गुना था ये हमने पूरा टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, उसके आधार पे ही हमने उनको और जो हमारी फिर जो टीम भेजी उधर मुंबई, उन्होंने जो फील्ड वर्क किया उसके आधार पे हमने इनको ट्रेस किया और उनकी फिर अटक की।